हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बहादुरगढ़ से कुंडली। तो बहादुरगढ़ से कुंडली के लिए अब एक नया रास्ता आया है, जिसे बोलते हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो ये हमारा दिल्ली का आउटर कवर करेगा पूरा। इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कुछ टाइम पहले एक पलवल से गाजियाबाद से कुंडली तक का हाईवे का इनोग्रेशन किया था। वो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली को ईस्ट साइड से कवर करेगा। और ये जो कुंडली मानेसर और पलवल वाला है, ये दिल्ली को वेस्ट साइड से पूरा कवर करेगा। तो भैया, आज हमारी जर्नी में आपको दिखाएंगे कि इसकी रोड कंडीशन कैसी हैं, क्या स्पीड लिमिट्स हैं, टोल्स हैं, कैसे क्या अभी डेवलपमेंट में है, क्योंकि अभी ये फुल फ्लेज रेडी नहीं हुआ है। तो अब इसको रेडी होने में कितना टाइम लग सकता है, किस फेज में आज काम चल रहा है, और क्या इवन आप वहाँ पे ड्राइव करने की परमिशन है नहीं है। तो उसके लिए भी हम जा रहे हैं बहादुरगढ़ से जजर की तरफ मेन रोड पे। इसके बाद हम मिलेंगे इस NH 10 में। उसके बाद अब NH 10 पे कुछ अराउंड 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद हम उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कैसा क्या स्कोप है चलने का, और टोल्स होंगे तो कितना चार्ज होगा उनका, या जो जो इंफॉर्मेशन हमें वहाँ मिलेगी रोड चालू होने में कितना टाइम लग सकता है, 1 महीना 2 महीना 6 महीने साल, और रहे रोड कंडीशन जो एग्जिस्टिंग बन चुके हैं उसी कंडीशन कैसी है, क्या उसमें सच में एक्सप्रेसवे वाली फीलिंग है नहीं है। तो देखते हैं अभी कैसा क्या हो पाता है। हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 5 से 7 मिनट तक, इधर तक हम उसमें कनेक्ट होंगे। अभी ये देखना है कि ये बहादुरगढ़ का बाईपास आ गया है। अब बहादुरगढ़ बाईपास है, यहाँ से हम राइट मुड़ जाएंगे और NH 10 पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए, ये फ्लाईओवर है बहादुरगढ़ झज्जर रोड के ऊपर से। अभी हम राइट की तरफ घूम जाएंगे। रोड कंडीशंस NH 10 की बहुत अच्छी हैं, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं। अभी तो कनेक्टिविटी है, अब कुछ टाइम बाद देखेंगे। ये भी इसमें इसकी स्पीड लिमिट अभी 80 KMPH की है, जो कि कुछ दूरी आगे जाने के बाद 90 KMPH हो जाएगी, जो कि एक काफी अच्छी स्पीड लिमिट है। देखिए, रोड डिवाइडर के कुछ पेड़ पौधों को काटा गया है, और क्यों काटा गया है हमें समझ नहीं आ रहा है। तो अभी हम NH 10 पे चल रहे हैं। रोड बहुत स्मूथ है, बहुत ही वाइड है। बीच में हमारे पेड़ काटे गए हैं ग्रीन बेल्ट से। ये देखिए, यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 की है। आप दोनों तरफ देखोगे तो खूब बहुत सारी हरियाली यहाँ पे आपको दिखाई देगी, प्लस ग्रीन एनवायरमेंट। ये देखिए बोर्ड दिखा, रोहतक बहादुरगढ़, प्रॉपर लाइटनिंग है रोड पे, साइड में पार्किंग एरिया भी है जहाँ पे आप रुक के आराम से कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हम अपने डैश माउंटेड कैमरा से कर रहे हैं। इसके लिए आपको पहले से वीडियो मिल जाएगी। ये शायोमी का 70 Mi डैश कैम है, जो तो कि फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड करता है। सबसे अच्छी बात इसकी मेरे को लगी, इसको आप जो रियर व्यू मिरर होता है,
उसके बिल्कुल आगे लगाओ, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको भी आपके व्यू में डिस्ट्रक्शन करेगा, फ्लैश म्यूजिक रिकॉर्ड करता रहेगा। इसमें लूप रिकॉर्डिंग भी है। लूप रिकॉर्डिंग से क्या होता है, जैसे कि मेमोरी फुल हो जाएगी तो सबसे पुरानी वीडियो जो है उसको डिलीट कर देगा ये, वो रिकॉर्ड करता रहेगा। जिससे कि आपको बार बार उसको मेमोरी कार्ड को निकाल के या उसको कनेक्ट करके उसकी मेमोरी मैनेजमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें अपने आप ये रिकॉर्ड करता जाएगा, पीछे की वीडियो को डिलीट करता जाएगा, तो लूप में चलता जाएगा। इससे आपकी को आपको इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है, या आप रिकॉर्ड करते रहोगे करते रहोगे, कभी फुल हुआ ही नहीं क्योंकि इसे डिलीट कर रहा है आपकी वीडियोज को। तो अभी हम कुछ देर में हाईवे पहुंचने वाले हैं, नेक्स्ट हाईवे पर चल ही रहे हैं। मेन बाईपास केएमपी के लिए जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। ये आप राइट में देख रहे हो, बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है। जो हमारा डेस्क है मैं इवेंट स्क्रीन पे परमानेंटली माउंट हो जाता है। इससे क्या है, कोई शेकनेस या कोई जो गाड़ी चलने के जहाँ शेक प्रोड्यूस होता है उसका इफेक्ट आपको वीडियो में ज़्यादा नहीं मिलता। या जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल स्टेबल वीडियो है, इसमें कोई झटके या ऊपर नीचे वीडियो नहीं हो रही है क्योंकि कैमरे को परमानेंट फिक्स माउंट हुआ है, तो गाड़ी के साथ फ्लो के साथ बिल्कुल चलेगा। कैमरे में कोई मूवमेंट नहीं है जो कि होती है मोस्टली। आप अगर मोबाइल को माउंट करते हो या कुछ और करते हो तो उसमें आप शेकनेस आपको मिलेगी, काफ़ी शेकी होती है वीडियो। कहाँ से एंट्री मिलती है तो लेट्स सी। ये बहुत मतलब एलिवेटेड रोड है, इसमें कोई एंट्री एग्जिट अलाउड नहीं है, ओनली सम पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड फॉर एंट्री एंड एग्जिट ओनली।
So we are just near to the KMP, so we will now find कहाँ से हमें इसमें एंट्री मिलेगी। ये सेकंड फेज है, दो रोड है यहाँ पे। फर्स्ट रोड पे कोई एंट्री नहीं थी, अभी हम सेकंड रोड की तरफ देख रहे हैं, यहाँ शायद हमें कोई एंट्री पॉइंट मिल जाए। तो शायद इधर देखते हैं। हमें लेफ्ट से कुछ भी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम की एमपी पे एंटर कर जाएंगे। अभी कभी काफी कच्चा रोड है ये, देख वन सिंगल लाइन है। अभी आगे से कार आई तो उसके लिए बाकी व्हीकल्स को वेट करना पड़ रहा था। देखते हैं कैसे इसकी रोड कंडीशंस हैं, क्या है। वीडियो हमारी काफी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपको सिंगल पार्ट में इसको हम आपको अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हम केवल KMP। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं इसी वीडियो में। आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। फाइनली हम KMP पे चढ़ चुके हैं। अब शायद इसकी एक साइड चालू है, एक साइड बंद है। तो हम अब इसको रोड क्रॉस करके अपनी साइड की तरफ जाएंगे। देखिए सर, आपको सामने कितना हरियाली दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं अगली वीडियो में।